हर सू ईद के रंग हल्ला गुल्ला नॉन स्टॉप मौज मस्ती बेशुमार खुशियों भरे त्योहार में शहर में हर तरफ रौनकें छोटा बड़ा नौजवान बुजुर्ग हर कोई पार्कों की जानिब होलिया जेलानी पार्क जुना पार्क गुलशन इकबाल और ग्रेटर इकबाल पार्क समेत शहर का हर तफरी मुकाम खचा खच भर गया बच्चे झूले झूल कर खुशी से फूले न समाए। रंग बिरंगे दीदा जेब मलबूसात पहने नन्हे मुन्नों की चिड़िया घर यलगार बब्बर शेर की धाड़ बंदरों की अटखेलियां देखकर बच्चों की खुशी का नहीं था कोई ठिकाना। कुछ ने की ऊंट की सवारी तो कुछ ने खूबसूरत परिंदों के साथ तस्वीर बनवाई बच्चा पार्टी ने बच्ची खुची ईद भी मौज मस्ती पर उड़ा दी। ईद पर भी सूरज के माथे पर बल तेवर बिगड़े बिगड़े जुलसा देने वाली लू दूसरे और तीसरे दिन भी मौसम जू का तू रहेगा बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसम का हाल बताने वालों ने बताया गर्मी ने अपना आप दिखाया तो ईद पर भी नहर की याद ने सताया नहाने के शौकीन अफराद ने जरा देर न की और नहर पर पहुंच गए जी भर कर डुबकियां लगाई और ठंडा ठार हुए। मॉडल टाउन सेंट्रल पार्क में ईद उल फितर की अदायगी अहले इलाका के कसीर तादाद में शिरकत मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं सदर मॉडल टाउन सोसाइटी साहबजादा सैफुर रहमान और अदाकार सुहेल अहमद अजीजी और मियां मुनीर समेत सियासी समाजी शख्सियत की शिरकत एक दूसरे के गले लग कर ईद की मुबारकबादें। और एक मोरिया पुल के करीब जूतों के गोदाम में आग लग गई आग ने करीबी घर को भी अपनी लपेट में लिया घर में रखा लाखों रुपए का जहेज का सामान जल गया कीमती सामान के साथ घर वालों की ईद की खुशियां भी जल कर राख चार बेटियां जवान उनका जहेज जल के हक हो गया है उसका आमदनी का जरिया जो है ना ये जराई करता है उससे ये क्या कमा लेता है इसलिए ना मेरी वजीर अल्लाह से अपील है कि इसकी ना मदद की जाए।